सबने सर्दियों को बाय बाय कह दिया था, गर्मियों के कपड़े भी निकाल लिए थे, लेकिन हुआ क्या, अचानक से हो गई बारिश और मौसम हो गया सुहाना। आपके साथ मैंने अपने बच्चों की रिजल्ट की खुशियां शेयर की थी, तो हमने सोचा इस बारिश का फ़ायदा उठाया जाए। पार्टी तो सबको देनी है, तो क्यों ना इस मौसम में करते हैं बारबेक्यू। तो हमने बच्चों की पसंदीदा मलाई बोटी बनाने का इंतज़ाम किया, 5 kg चिकन मंगवाया, और जाहिर है कि मलाई बोटी बनाने के लिए हमने रेशे वाली बोटियों को तो चूज़ नहीं करना था, बच्चे तो वो खाते ही नहीं हैं। 5 kg चिकन में 3 क्रीम के पैक, और साथ में मैंने लिया था धनिया और सब्ज़ मिर्च, इनका पेस्ट बना लिया। इस पेस्ट को इस मिक्सचर में ऐड किया है, तो साथ में डाला है 3 tablespoons अदरक लहसुन का पाउडर, आप इसका पेस्ट भी ऐड कर सकती हैं। अब मैंने डालना शुरू किया है मलाई के पैकेट को, लेमन की जगह मैंने थोड़ा सा दही भी ऐड किया है, साथ में मायोनीज भी ऐड की है। गोश्त को गलाने के लिए ये पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पपरिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में 3 tablespoons के करीब मैंने काली मिर्च ऐड की हैं। एक पैकेट जो रह गया था उसको मैंने लास्ट में शामिल किया है। 2.5 tablespoons नमक ऐड किया है और ऑलिव ऑयल जितना मुझे ज़रूरत था। इस सारे मिक्सचर को मैंने डे टाइम बनाया, चूँकि बारबेक्यू रात को करना था, तो इसको जितनी देर मैरिनेट होने के लिए रखें उतना ही मज़े का ये बनता है। तो हमने इसको काफ़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा, तो अब हम इसको तैयार करने लगे हैं। बहुत ही देसी किस्म का जुगाड़ लगाया है हमने बारबेक्यू करने के लिए, ईंटों के साथ इसकी हमने सेटिंग की है। बच्चे बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं जी, कब हमारी मलाई बोटी तैयार होगी और हम खाना खाएंगे। सब कज़न्स बैठे चिल कर रहे हैं, नानों के घर को इन्होंने सेलेक्ट किया था कि वहाँ पर करेंगे, तो सब कज़न्स इकट्ठे हो जाएंगे और मौज मस्ती भी करेंगे। तो इंतज़ार की घड़ियां हो गई हैं ख़त्म, तो हमारी मलाई बोटी हो गई है तैयार। बच्चा पार्टी को हमने देना शुरू कर दिया है खाना, और चेयर्स पे बैठ के उन्होंने अपना एक अलग ही माहौल बनाया हुआ है। हमने चेयर्स भी लगाई थी, टेबल भी, तो टेबल को उन्होंने कर दिया साइड पे और कहते हैं जी हम करते हैं इस तरह अपनी मौज मस्ती। तो अल्लाह ताला बच्चों को इसी तरह खुश व खुर्रम रखे, उनको ज़िंदगी में तरक्कियाँ दें। बात खाने की नहीं होती है, बात मिल बैठने की होती है और ज़िंदगी को चिल करने की होती है। तो आप भी अपनी ये छोटी छोटी खुशियाँ इंजॉय कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाइए। अच्छा, ये रेसिपी इतनी फेमस है हमारे घर में कि तो हमारे घर में ये बच्चे भी इसको खुद तैयार करते हैं, और जब इस तरह का कोई मौका होता है तो सब कहते हैं जी पीछे हट जाएँ, हम खुद ही करने लगे हैं। लेकिन क्या करें, हम माएँ एतबार नहीं करती अपने बच्चों पर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो बारबेक्यू किया वो इन बच्चों ने खुद किया होगा, तो उसकी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ जिसमें मौज मस्ती करते हैं सब मिलकर। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।